हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमा 2 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, वेयर एक्स है वो 0 से लेके 1 तक है। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स पाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए हमारे पास की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, ये हमारा होता है अपवर्ड पैराबोला, ये 0 है और ये अपवर्ड पैराबोला। और इसके अलावा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा उल्टा होता है यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ये 0 और ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो अब हमें जो जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स क्या है, मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमा 2 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये हमें दे रखा है एफ एक्स। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमने ली वाई एक्सिस और ये हमने ली एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा कुछ इस तरह से जाएगा और हमें लेना है 0 से लेके ये 1 तक, 0 से लेके 1। उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो वो स्क्वायर होकर के पॉजिटिव में ही चेंज हो जाएगा। तो ये भी हमारा अपवर्ड पैराबोला होगा, लेकिन ये हमारा ये 0 है 1 है, तो थोड़ा सा हमारा शिफ्ट हो जाएगा ये 1 पर। तो ये किस तरह से जाएगा, ये हमारा कुछ ये इस तरह से ये आएगा, ये हम इसको बोल देते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये है हमारा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये बचा 2x, 2x इंटू 1 माइनस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2x स्क्वायर। तो ये हमारा जो होता है माइनस एक्स स्क्वायर, ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो और ये आएगा कहाँ से कहां तक, अगर हम इसके जीरोस निकालें, तो अगर हम यहाँ से इसके जीरोस निकालें 2x इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 और ये 1 कॉमा x इज इक्वल टू 0 और कॉमा 1, ये दो इसके जीरोस आएंगे। तो इसका मतलब ये हमारा कुछ इस तरह से जाएगा, ये 0 से लेके हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है, तो 0 से लेके ये हमारा ये 1 तक जाएगा। तो इसमें से और इसके अलावा x एक्सिस x इज इक्वल टू 0, तो x x एक्सिस तो हमारी ये हो गई, x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस होता है, और x इज इक्वल टू 1 ये क्या होगा, ये हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू ये 1। तो अब हमें देखना है कि इन तीनों में मैक्सिमम क्या आ रहा है। तो जो मैक्सिमम हमारा ग्राफ आ रहा है वो ये आ रहा है, ये हमारा ये पूरा नीचे तक, ये हमारा पूरा यहाँ से, फिर ये और फिर ये, इससे नीचे का हमारा ये पूरा मैक्सिमम में आएगा, ये हमारा पूरा ये मैक्सिमम में ग्राफ आएगा। तो इसके लिए हमें ये वाला पॉइंट निकालना है और एक ये वाला पॉइंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला, वो किस किस का इंटरसेक्शन है, एक तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का, और दूसरा है इस वाले का, ये इसको हम बोल देते हैं, ये है हमारा y इज इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2x और इंटू में 1 माइनस एक्स, तो एक 1 माइनस एक्स से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी पावर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, 1 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 1/3। तो ये यहाँ पे कितना आ गया, ये आ जाएगा 1/3। ऐसे में यहाँ का निकाल लेंगे तो ये किस किस का है, एक तो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का और दूसरा ये इसी का ही है। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस का 2x स्क्वायर, तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, एक x से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा 2/3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा कि 2/3, और ये तो हमारा 1 है ये। तो पहली हम
अब हमें इस पूरे रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम 0 से लेके 1/3 तक लिमिट लेंगे। उसमें हमारे कौन कौन से आएंगे, इसमें हमारा आएगा 0 से लेके 1/3, तो ये हमारा कौन कौन सा रीजन आ जाएगा, 1 - x² dx, ये क्योंकि ये जो है ये हमारा है, ये किसका ग्राफ है, 1 - x² तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे a = 0 से लेके 1/3 फिर 1 - x² dx। और हमारा ग्राफ इस तरह से था कुछ, ये और ये इस तरह का ग्राफ था हमारा। तो ये जो हमारा ग्राफ था वो था 2x * 1 - x का, और ये था इसका तो हम ले चुके 1 - x² और ये हमारा आया था x² का, और ये पॉइंट आया था 1/3 और ये आया था 2/3। तो अब हमें लिमिट लेनी है 1/3 से 2/3, तो कौन सा ग्राफ आएगा, ये वाला आएगा, तो क्या हो जाएगा 2x - 2x² और यहाँ पे ये dx और ये प्लस का फिर लिमिट आएगी और ये बन था, ये 0 है 2/3 से लेके 1, कौन सा ग्राफ आएगा x² dx, ये हो गया। तो a = अब हमें इसका जस्ट इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा, ये है हमारा, इसका हम में फॉर्मूला यूज करेंगे x^n dx = x^n+1/(n+1) और ये dx, सॉरी यहाँ पे प्लस का सी, ये हो जाएगा प्लस सी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 1 - x³ हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 - x³ और अपॉन में ये हो जाएगा माइनस एक्स है तो माइनस का 3 आएगा और ये लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से लेके 1/3। उसके बाद में इसका क्या हो जाएगा, 2x² / 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x² और ये माइनस का 2/3 x³, लिमिट 1/3 से लेके 2/3 और ये x³/3, ये 2/3 से लेके 1। तो यहां से a = इसको हम सॉल्व करते, तो -1/3 को आगे लिख लेते हैं -1/3, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ऊपर अपर लिमिट यूज करेंगे, ऊपर वाली लिमिट, तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 - 1/3, यानी कि ये हो जाएगा 2/3, 2/3 की पावर 3, और 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 - 0 की पावर 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 4/9, माइनस का 4/9 -2/3 * 8/27 ये, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस और है, अभी हमें लोअर लिमिट भी यूज करनी है इसी में, तो माइनस फिर हो जाएगा 1/9 और ये 2/3 * में 1/27, अब ये हो गया कंप्लीट। प्लस अब हमें तीसरा वाला टर्म लेना है, तो 1/3 माइनस का 1/3 * 8/27, ये हो गया। तो a = अब हमें इसको सिंपलीफाई करना है, तो कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो हो गया हमारा पहला 8/27, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 का, तो -8/81 प्लस का यहाँ पे 4/9 -1/9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस का 3/9, 3/9 का मतलब 1/3, 1/3, और उसके अलावा क्या है, यहाँ पे ये और 1/3 और रह गया, तो -1/3 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, यहाँ पे ये 2/16/81 और ये 2/81, ये यहाँ पे लिख लेते हैं -16/81 और माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 2/81 और यहाँ पे माइनस सॉरी प्लस का 1/3 और ये माइनस का 8/81। तो अब हमें इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करने के बाद कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा टोटल 51/81। तो a = इसको हम काट सकते हैं 3 से, तो 17/27, 17/27 स्क्वायर मीटर्स, ये सॉरी स्क्वायर यूनिट्स, मीटर्स तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर यूनिट्स। तो
तो ये हमारा आंसर हो जाता है. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.